चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, चाचा भतीजी की सरकार केवल बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। तेजस्वी यादव का इसके अलावा क्या परिचय है कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि क्या तेजस्वी यादव ने सामाजिक क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र या फिर खेल कूद के क्षेत्र में कोई ऐसा काम किया है जिससे उनकी पहचान हो या उनका नाम लिया जा सके। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार सोची समझी रणनीति के तहत ये पूरा काम कर रहे हैं, उन्होंने एक रास्ता बीजेपी का भी खोल रखा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ ईमानदारी से रहेंगे और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये तो चचा जो है वो भतीजे को चोर दरवाजे से वापस घुसाना चाह रहे हैं और जिस जंगल राज का डर दिखाकर नीतीश कुमार पिछले कई सालों से यहाँ शासन कर रहे हैं उसी जंगल राज को वापस पिछले दरवाजे से घुसाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां भी कहीं ना कहीं उनके मन में यही है। वो ईमानदारी से उनके साथ भी, भतीजा के साथ भी नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं, वो ईमानदारी से उनके साथ भी नहीं है। वो सिर्फ ये स्थिति बनी रहे ताकि लोगों का वो डर रहे कि भैया जंगल राज वाले लोग ना आ जाए तो चलिए नीतीश जी को ही, कम खराब को ही हम लोग स्वीकार कर ले। ये नीतीश जी की अपनी सोची समझी रणनीति है। वो आज महागठबंधन में है, साथ में उन्होंने भाजपा के साथ महाकाय की खिड़की भी खोल रखी है। मैंने भतीजा की पहचान क्या है, भतीजा तो लालू यादव के लड़के हैं। लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि आपकी टिप्पणी उनको लेकर क्या है, तो मैंने, मेरे लिए तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के हैं, इसके अलावा ऐसा कौन सा पराक्रम उन्होंने कर दिया है समाज में, ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसी कौन सी गतिविधि उनकी है जिसके लिए कि मैं उसका संज्ञान लूं। अगर वो लालू यादव के लड़के हैं ये तो बात सच्चाई है, इसी वजह से वो डिप्टी सीएम है। ऐसा तो है नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, किसी विधा में उन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम किया हो समाज के लिए या किसी दूसरे स्तर पर जिसके संज्ञान लेने की जरूरत है, तो चचा भतीजा का कुछ नहीं है। और चलिए और अधिक बातचीत के लिए एक बार रुक कर लेते हैं जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल का। स्वप्निल, अभी हाल ही के दिनों में भी इस तरीके की जो है वो वार पलटवार देखने को मिली थी पीके के बीच में और नीतीश कुमार, इन दोनों के बीच में। एक बार फिर से अब पीके ने जोरदार हमला बोला है नीतीश कुमार पर भी, साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर भी। बिल्कुल पलक, देखिए जिस तर्ज पर पीके ने हमला बोला है वो ये बताता है कि पीके ने अपना पॉलिटिकल लाइन एक तरह से क्लियर कर दिया है। पीके ने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी को लेकर के एक विंडो नीतीश कुमार खोल रखे हैं, ये पीके का आरोप है नीतीश कुमार के ऊपर। और नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह के चार्ज उन्होंने फ्रेम किए। उन्होंने ये भी कहा, जैसे हम बाइट में सुना भी रहे हैं, कि जो जंगल राज के लोग थे उनको बैक डोर से एंट्री कराने जैसे तमाम तरह की बातें प्रशांत किशोर ने अपने बाइट के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। दूसरी बात यह है पलक कि इसके अंदर पीके ने तेजस्वी यादव पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि लालू के बेटे होने के अलावा उनका क्या, उनकी क्या योग्यता है। ये बताता है कि पीके ने अपनी पॉलिटिकल लाइन क्लियर कर दी। एक तरफ पीके जहां दोनों को घेर रहे हैं वहीं बीजेपी से भी पैरेलल उनकी दूरी बनी हुई है। पीके की अगर व्यक्तिगत तौर पर बात की जाए तो वो ये है, इस बात को इस टर्म्स पर एनालाइज किया जा सकता है कि प्रशांत किशोर बिहार में एक थर्ड फ्रंट की तैयारी की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें न तो नीतीश कुमार हो, न राष्ट्रीय जनता दल हो, न भाजपा हो, तीसरे मोर्चे की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसको लेके ये बयान बताता है वो किस तर्ज पर मैसेजिंग कर रहे हैं। पीके की का यह भी प्रयास है कि बिहार की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और ला करके जो आगामी चुनाव है उसके अंदर आ जाए जाए। तो प्रशांत किशोर लगातार हमलावर हैं। अब देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा पलक कि भाजपा हो या फिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। तो रिस्पॉन्ड करने के बाद जो है ये तमाम चीजें क्लियर होंगी। लेकिन ये मान के चलिए कि तलखी अभी और बढ़ेगी, चूंकि बयान बेहद तल्ख है तो जवाब भी इसी तर्ज पे आएगा। वाकई स्वप्निल, क्योंकि जब पहले बयानबाजी हुई थी तब नीतीश कुमार ने इसका अच्छे से पलटवार किया था और इस बार तो नीतीश कुमार पर भी निशाना है और तेजस्वी यादव पर भी निशाना है। बहुत बहुत आपका फिलहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।